अनुमति दे दी। किस लिए दे दी? क्योंकि बड़े उद्योगपति को लाना चाहते हैं आप, बड़े उद्योगपति बड़ी मशीनों को कराना चाहते हैं आपने। एक छोटे से गरीब किसान को तो कभी अनुमति नहीं दी मजदूर को कि आप यहाँ महिला खोल दो। पन्ना के लोगों को खदान लगाने के लिए 10 बाई 10 का गड्ढा तक नहीं है नसीब। हीरा उत्खनन के लिए पन्ना सतना की 612 हेक्टेयर भूमि की नीलामी की है तैयारी। हीरा के उत्खनन के लिए बड़ी फर्मों को वन भूमि देने की तैयारी। हीरो की नगरी के लिए जाने जाने वाला पन्ना में लगी और सतना की 612 हेक्टेयर लगभग 1900 एकड़ भूमि की नीलामी की जाने की तैयारी चल रही है, जिसमें सेहा सलेकपुर सहित कई अन्य वन भूमि भी शामिल है। सेहा सलेकपुर वह क्षेत्र है जहां बोरा गौड़ को 10 कैरेट से अधिक का हीरा 1967 में मिला था। बड़े हीरे मिलने वाली लिस्ट में यह क्षेत्र में भी शामिल है। आज की स्थिति में पन्ना में अपार खनिज संपदा होने के बाद भी हीरा कार्यालय द्वारा पट्टी और सकरिया में पट्टे दिए जा रहे हैं। बाकी कई बड़े क्षेत्र जहाँ सैकड़ों हीरा मिले हैं वहाँ वन भूमि काबिज है। वन और राजस्व भूमि विवाद का भी निपटारा नहीं हुआ, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी है पर अभी तक निपटारा नहीं हो सका। पूर्व में भी वन विभाग ने हीरा व पत्थर खदानें बंद करके सैकड़ों लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया है। आज भी वन भूमि में अपार खनिज संपदा होने के बाद लोगों को 10 बाई 10 का गड्ढा तक खोदने को नसीब में नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों को हजारों एकड़ भूमि देने की तैयारी चल रही है। ज्यादा हीरे वाले क्षेत्रों में लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे और हीरा का व्यापार बड़े लोगों को रोजगार भी मिले। रोजगार देने की अपेक्षा सैकड़ों खदाने को कब्जे में लेकर बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों हजारों एकड़ कोहरी डायमंड ब्लॉक के नाम से भूमि नीलामी की तैयारी है। बड़ी कंपनियों को भूमि नीलामी में मिलेगी। मशीनों से उत्खनन करने और पन्ना के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी कंपनियां, फर्में, पूंजीपतियों के लिए वन विभाग के नियम कानून सब स्थिल हो जाते हैं। नियम कानून तो केवल आम लोगों तक सीमित है। पन्ना के लोगों ने वन भूमि टाइगर रिजर्व के कारण बहुत कुछ खोया है। पत्थर हीरे से चलने वाला रोजगार खत्म की कगार पर है। जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वन भूमि में के दखल को कम कर वन राजस्व का विवाद का निपटारा हो और पन्ना की पहचान दिलाने वाले हीरे की लोग खदान लगाकर उत्खनन कर सकें, जिससे लोगों को रोजगार मिले और पन्ना जिले का नाम बना रहे। वहीं नीलामी की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों और वकील अंकित शर्मा ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि 10 बाई 10 की जगह नहीं देते हैं आम लोगों को और पूंजीपतियों को अब अमीर बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पन्ना का मैक्सिमम आय का स्रोत था खदान, खदाने चाहे पत्थर खदान हो चाहे हीरा खदान हो, वो बंद कर देंगे। किस चक्कर में? वन विभाग के चक्कर में। वन विभाग की अनुमति नहीं है, मैक्सिमम एरिया बफर जोन में चला गया। जहाँ भी अच्छे क्वालिटी के हीरे निकलते थे, जम क्वालिटी के, वो सारा ही एरिया जो था वन विभाग में चला गया। तो पन्ना के लोग भूखों मरने की कगार पे आ गए। जो पलायन कर गए मजदूर या जो कुछ लोग ये छोटे मोटे काम धंधे पे आ गए, जो मेन बिजनेस था पन्ना का वो खत्म हो। किस चक्कर में? वन विभाग में। आज वन विभाग ने एक अनुमति दी केन बेतवा में और दूसरी अनुमति, बड़ी अनुमति, जो गरीब 10 बाई 10 के पट्टे के हीरे के उत्खनन के लिए यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है, पर उसे अनुमति नहीं मिलती। कहीं उसके तस्ले जब्त होते हैं, कहीं फावड़े जब्त होते हैं, कहीं उसकी भैंस चलाने वन विभाग उसको अनुमति नहीं देता। एक लगभग 1600 एकड़ का प्लाट एरिया जो आप बता रहे हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा भाग पन्ना जिले का है, आपने अनुमति दे दी। किस लिए दे दी? कि बड़े उद्योगपतियों को लाना चाहते हैं आप, बड़े उद्योगपति बड़ी मशीनों से उत्खनन कराना चाहते हैं आपने। एक छोटे से गरीब किसान को तो कभी अनुमति नहीं दी मजदूर को कि आप यहाँ पे हीरा खोद लो। इस तरह का दोहरा व्यवहार जो कर रही है सरकार, ये माफियाओं की सरकार है। प्राप्त हुआ था जो जंगल विभाग के अंतर्गत आता है, और काफ़ी खदानें हमारी पूर्व में जंगल विभाग के अंतर्गत थीं, लेकिन जब से टाइगर रिजर्व आ चुका है तब से हमारी खदान बहुत ही कम हो गई हैं। अब कौन कौन सी प्राइवेट खदानें? जी प्राइवेट में तो लोगों के खेत खरियाने उसी को हम प्राइवेट बोलते हैं। सरकारी में हमारे पास कृष्ण कल्याणपुर और सकरिया चौपड़ा है।